अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किए बड़े ऐलान। कहा बूंदी के रामगढ़ में जल्दी होगा बाघों का बसेरा, तो साथ में कोटा के रंगपुर घाट से ठीक सामने बूंदी की तरफ पड़ने वाले चंबल नदी के किनारे स्थित केशवराय भगवान के मंदिर के जीर्णोद्वार का भी केंद्र सरकार से जल्दी एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर कराया जाएगा। असल में संसदीय क्षेत्र के अपने प्रवास के दौरान बिरला ने आज का अपना पूरा दिन बूंदी दौरे के नाम रखा। उन्होंने क्षेत्र विधायक अशोक डोगरा और DRM पंकज शर्मा के साथ बूंदी रेलवे स्टेशन पर करीब 60 लाख की लागत के स्टील वाटर प्लांट, स्टील बेंच और प्लेटफॉर्म सतह समेत रेल सुविधा और यात्री सुविधाओं के विकास के कामों का शिलान्यास किया। बाद में बिरला बूंदी के एक स्थानीय रिसोर्ट भी पहुंचे, जहां उन्होंने बूंदी में चल रहे सुपोषित माँ अभियान की भी समीक्षा की। इस दौरान पसीना से खास बातचीत करते हुए बिरला ने कहा कि बूंदी में कोटा बूंदी रोड को देवली तक करीब 180 करोड़ की लागत से सीमेंटेड किया जा रहा है, साथ में नया एयरपोर्ट भी बूंदी से कोटा के बीच ही बन रहा है। हम बूंदी को एक टूरिस्ट सिटी के साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी वाला शहर भी बनाना चाहते हैं, और साथ में हमारा प्रयास है कि बूंदी स्टेशन को भी हेरिटेज लुक देते हुए नए तरीके से विकसित कराया जा सके। SCB की टीम लगातार एक्शन मोड में है और कुछ न कुछ कार्रवाइयाँ लगातार जारी है। भीलवाड़ा में भी लगातार आज दूसरे दिन SCB की जो टीम है, भीलवाड़ा SCB की टीम ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए आज एक पार्षद और उसके पति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पार्षद ने नाले निर्माण के काम की शुरुआत से पहले ही अपना कमीशन मांगना शुरू कर दिया और करीब 10% से अधिक कमीशन मांगने की बात सामने आ रही है। भाजपा की पार्षदा है लक्ष्मी देवी सेन, जो कि 29 नंबर वार्ड से पार्षदा चुनी गई। उन्होंने करीब 1,50,000 रुपये की रिश्वत राशि नाले निर्माण के एवज में मांगी गई है और कमीशन के रूप में मांगी गई राशि में से 1,20,000 रुपये का चेक और 30,000 रुपये की नकदी लेते पार्षदा लक्ष्मी देवी सोनी और उनके पति मुकेश सेन को SCB की स्पेशल टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों पति पत्नियों को गिरफ्तार करने के बाद में SCB की टीम ने उनके जो किराए का आवास है उसकी भी तलाशी ली, मगर SCB को वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा। SCB की टीम खाली हाथ लौट आई। जो घटना आज हुई है, जिस तरह से ट्रेप की है, पूरी कार्रवाई हुई है, ये एक बार फिर इस तौर इंगित कर रहा है कि पूरा जो सिस्टम है उस पर किस तरह से भ्रष्टाचार फैल चुका है और भ्रष्टाचार की जड़ें लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना ही होगा कि SCB ने आज जिस तरह से इस पार्षदा को पकड़ा है और 1,20,000 रुपये का चेक और उसके साथ में 30,000 रुपये की नकदी ली गई है जिस तरह से रिश्वत की राशि के रूप में, ऐसा पहली बार हुआ है किसी जनप्रतिनिधि ने भीलवाड़ा में चेक के माध्यम से रिश्वत राशि ली है। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की पहल पर महिलाओं के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। खास तौर पर गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से जागरूक करने के साथ साथ उनको महत्वपूर्ण जानकारी देना भी इसका उद्देश्य रहा है। दरअसल इस अभियान के तहत अब तक 5,442 जाजम बैठकें आयोजित हुई। दरअसल प्रत्येक बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र के एक गांव में, तो वहीं शहर के प्रत्येक वार्ड में महिलाओं के साथ एक जाजम बैठक आयोजित की जाती है। अब तक करीब 1,42,000 गर्भवती और धात्री महिलाओं से सीधा संवाद किया गया है। साथ ही साथ इनको इन जाजम बैठकों के दौरान ही फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी वितरित की जाती है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद का कहना है कि हमारी ये कोशिश है कि गर्भवती और धात्री महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहे। साथ ही साथ इस अभियान के साथ ये भी जोड़ा गया है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, खासतौर पर महिला कल्याण को समर्पित हैं या दूसरी योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाए। आज बुधवार को भी बड़ी संख्या में जाजम बैठकें आयोजित की गई। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल इस अभियान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर भी लगातार सक्रिय रहते हैं। निश्चित तौर पर ये जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की एक अच्छी पहल कही जा सकती है कि चकाचौंध से दूर और मीडिया सिकिंग ना होकर एक बेहतर काम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना और इस अभियान की खासी तारीफ भी हो रही है। भरतपुर के लक्ष्मी विलास होटल में हुआ राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ग का शुभारंभ। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौर रही मौजूद। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को 2022-2023 के बजट घोषणा में उद्योग क्षेत्र के लाभ प्रदान करना गेम चेंजर साबित होगा और इस क्षेत्र में अधिक निवेश और रोजगार को गति देगा। पूर्ण उद्योग का दर्जा देने की यह घोषणा दर्शाती है कि राज्य सरकार का पर्यटन पर पूरा फोकस है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आलोक रंजन, भरतपुर SP श्याम सिंह, भाजपा नेता दीपा सिंह, वहीं काका रघुराज सिंह सहित कई हस्तियां मौजूद रहीं।